नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हुए हैं। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको बेहतर समझ में आ सकेगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जिह्वा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि हमारे पास दो सर्किल है, हमने एक छोटा सर्किल बनाया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक बड़ा हमने सर्किल बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमारे पास दो ऐसे सर्किल है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे दो सर्किल हो गए। ये हमारा दो वृत्त हो गए। अब हम इनकी त्रिज्याओं को नाम दे लेते हैं। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको हम ओ नाम दे लेते हैं। यदि ये यहां से पूरी 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास क्या बचेगी, ये 2 सेंटीमीटर। अब इसने हमें आगे क्या बोला है, बड़े वृत्त की उस जिह्वा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली हमने एक जिह्वा खींची, ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, एक जीवा है और छोटे वृत्त को ये स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा को हम नाम दे लेते हैं ए बी। ये बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। हमें ज्ञात करनी है जीवा की लंबाई, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम इस त्रिज्या को क्या कर लेते हैं, यहां मिला लेते हैं। यह हमारी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमारा त्रिभुज क्या बन गया, त्रिभुज ओ बी सी में, हम त्रिभुज ओ बी सी में देखेंगे। त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में इस छोटे वाले त्रिभुज की जो स्पर्शी है ए सी बी, ये स्पर्शी है और ये त्रिज्या है, आपस में ये क्या होती है, लंब होती है प्रमेय नंबर 10.1 से। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ओ सी बी ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बी सी स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, ओ बी स्क्वायर की ओ बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ओ सी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस हमें बी सी निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। एक में जोड़ देंगे और एक में इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक बार हमें इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा और एक बार हम इसको घटा देंगे 5 माइनस 3 बराबर बी सी स्क्वायर। ये 8 गुना 2 8 दूनी 16 तो बी सी कितना आ जाएगा हमारे यहां 20। इसको सोल्व करेंगे 4 चौक 16 16 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। बी सी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि बी सी बराबर किसकी हो जाएगी, ए सी के। इस हमने ज्ञात किया बी सी कितनी है, बी सी हमें अभी ज्ञात किया 4 सेंटीमीटर तो AC भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है AB की लंबाई, यानी कि AB कितनी हो जाएगी BC प्लस AC। तो BC कितना है हमारे पास, BC भी 4 सेंटीमीटर है और AC भी 4 सेंटीमीटर है तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।